भुगतान न होने पर केंद्र से पशु छोड़ने की चेतावनी। कमासिन पशु आश्रय केंद्रों में लंबे अरसे से शासन द्वारा भुगतान न करने की वजह से संचालन करने वाले निवर्तमान प्रधान व सचिव बेहद परेशान हैं। भूसा व मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अधर में लटका है, जिससे पशुओं को केंद्रों में रखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बीरा का सामने आया है। निवर्तमान ग्राम प्रधान देव कुमार गुप्ता ने कमासिन वीडियो अमरनाथ पांड्या सहित जिला प्रशासन को प्रेषित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत बीरा में मेरे द्वारा पशु केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 215 जानवर बंद हैं, जिनके रख रखाव के लिए अगस्त व सितंबर का धन फरवरी 2021 में ग्राम पंचायत के खाते में आया है, लेकिन सचिव दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों से उधारी में लिया गया भूसा व केंद्र में लगे मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे वह लोग लड़ने झगड़ने पर आमादा रहते हैं। इन समस्याओं से आज ही जाकर अब पशुओं को केंद्र में रखना गंभीर चुनौती बन गई है। यदि शीघ्र अवशेष भुगतान नहीं किया गया तो मैं पशु आश्रय केंद्र से जानवरों को अन्न छोड़ने के लिए विवश हो जाऊंगा। रिपोर्ट प्रीति देवी, ब्लॉक कमासिन, एवीपी भारत न्यूज चैनल। नाम है आपका? नाम साधदेव कुमार गुप्ता है मेरा, ग्राम प्रधान बीरा। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत बीरा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या समस्या है आपकी? समस्या प्रधान है कि लगभग 10 माह से ग्राम पंचायत बीरा के गौशाला में संचालन का कार्य मेरे द्वारा किया गया है, आज भी करता हूं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत बीरा के मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं करवाया गया, और जहां से चारा, पैरा, भूसा इत्यादि जिस जिस गांव से मेरे द्वारा लाए गए हैं, उनका भुगतान अवशेष पड़ा हुआ है। कई बार मेरे द्वारा सचिव दिलीप कुमार गुप्ता जी के द्वारा को जानकारी दी गई कि साहब पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि लोग हमें परेशान कर रहे हैं। पछुआ गांव का है माननीय श्री उपाध्याय जी महाराज, पछुआ से श्री कल्लू तिवारी जी, मुसीवा से गौरव मिश्रा जी, विजयपाल यादव, देवमुनि यादव आदि आदि लोगों से मैंने पैरा भूसा का संचालन यहाँ ले लेकर के उधार चलवाता रहा। इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारी सचिव को कई बार अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बीरा के गौशाला का जो भी शासन के द्वारा धनराशि 2 माह या 3 माह का लगभग जो भी भेजी गई है, वो ग्राम पंचायत के खाते में 2 माह से अधिक हो गए, आज भी खाते में पड़ी है, लेकिन सचिव के द्वारा भुगतान नहीं कराया जा रहा। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय वीडियो साहब को भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय SDM साहब को भी मेरे द्वारा फ़ोन के माध्यम से उनको भी अवगत कराया गया कि दिलीप कुमार गुप्ता जी के द्वारा मेरे ग्राम पंचायत बीरा का के चारा भूसा का भुगतान नहीं कराया जा रहा। किसी मजदूर के बच्ची की शादी है अगले माह, उनको पैसा बताइए मैं कहाँ से दे पाऊँगा। जो है कितने मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं? 6 मजदूर काम करते हैं बराबर जो है, और जब पैरा भूसा की ज़रूरत होती है उस समय मजदूर अलग से हमने लगवा लिए थे, तो वो मजदूर की हमारी मजदूरी आज भी शेष है। ट्रैक्टर भाड़ा की मजदूरी भी शेष है। लगभग कितनी मजदूरी शेष होगी आपकी? लगभग मजदूरी तो ज़्यादा नहीं है, 60-70 हज़ार रुपये मजदूरी शेष है, लेकिन भूसा और चारा का भुगतान हमारा लगभग 3-4 लाख रुपए के लगभग अवशेष पड़ा है। प्रधान जी, कुछ लोग हमारे पास आए थे, हमारे चैनल से संपर्क किया, आपके ही मजदूर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। प्रधान जी, हमें बड़ी समस्या है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, उनका काम है, क्योंकि 10 महीने से वो ना तो बाहर गए हैं, हमारे गौशाला में ही कार्यरत कार्य करते रहे हैं, और उनका वास्तविक है कि मांगना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं मांगेंगे तो उनको बच्चों का पेट कहाँ से चल पलेगा। लेकिन मेरी समस्या अब ये है कि जब तक सचिव के द्वारा चेक नहीं दिया जाएगा, चेक का नहीं काटा जाएगा, तो मैं भुगतान कहाँ से कर पाऊँगा। दिलीप कुमार गुप्ता जी के द्वारा किसी भी तरह का भुगतान मजदूरों का और ना ही चारा का भूसा का किया जा रहा है, अतः मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को
तक मेरी आवाज़ पहुंचाई जाए, जिससे सुचारू रूप से मेरे गौशाला का कार्य चलता रहे, किसी तरह की मजदूरों को समस्या ना आए और ना ही गांव को समस्या आए। अगर मैं मजबूर हो जाऊंगा तो फिर गौशाला से सारे जानवरों को छुड़वा दूंगा कि फिर फसल नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बाद में मुझे कोई दोषारोपण न दे, नहीं जल्द से जल्द मेरे गांव के चारा भूसा का भुगतान करवाने की कृपा करें तो महान दया होगी।